उधर गैंगस्टर दीपक मुंडी की गिरफ्तारी से डीजीपी वालों वड्डा खुलासा किया गया। नेपाल तो दुबई भजन की फिराक में सी मुंडी, जाली पासपोर्ट जरिए विदेश भरना चाहता सी। ए मुलजिम दीपक रजिंदर ते कपिल नू नेपाल बॉर्डर तो गिरफ्तार किया गया। चाहता सी कि हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार तो होंदे हुए पश्चिम बंगाल पहुंचे सन मुलजम। 35 मुलजमान नू नामजद किया गया है। 23 इन्हां चों गिरफ्तार हुए ने। डीजीपी गौरव यादव वालों जानकारी दिंदे हुए दस्सिया गया कि 35 मुलजमान नू नामजद किया गया, इन्हां चों 23 गिरफ्तार हुए ने। गोल्डी बराड़ के संपर्क विच सी रजिंदर जोकर, गोल्डी बराड़ नू भी जल्दी पंजाब आवांगे, डीजीपी गौरव यादव वालों ये कहा गया है। इस नाल ही कहा गया कि ISI जो है गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बेहद खास जी उपलब्धि हैगी पंजाब पुलिस को मिली हैगी। इस पूरे मसले के पंजाब के DGP गौरव यादव साढ़े नाल इन्हां नाल गलबात कर रहे। गौरव जी, बड़ी वड्डी जी है उपलब्धि पंजाब पुलिस को मिली है, पूरा ऑपरेशन किवें सक्सैसफुल होया, किवें गिरफ्तारी की गई दीपक मुंडी और उन्होंने नाल जो दो लोग से, दीपक मुंडी का रोल समझ आता लेकिन जो नाल दो आरोपी होर से उन्होंने रजिंदर दा इस अलावा जो दूजा आरोपी से उसका साड़ी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जॉइंटली दिल्ली पुलिस ते सेंट्रल एजेंसीज के नाल। कल असी BOP पानी टैंकी तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के तीन बंदे जिहड़े कि शुभदीप मर्डर केस के इनवॉल्व सीगे, दीपक मुंडी, रजिंदर जोकर अते कपिल पंडित नू गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 22 ईयर दिल्ली लिया के फिर चंडीगढ़ मानसा कोर्ट के पेश किया, 6 दिन का पुलिस रिमांड मिलिया। तो इस इन गिरफ्तारिया के नाल साड़ी शुभदीप मर्डर केस के गिरफ्तारियां 23 हो गई हैं। दो शूटर्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। टोटल 35 अक्यूज हुण तक नेम्ड है। वैपन यूज इन द ऑफेंस हैव बीन रिकवर्ड एंड मैच्ड विद द अक्यूज। कपिल दा ते जो दूसरा आरोपी सी रजिंदर, उसका की रोल सी इस पूरे? कपिल ते रजिंदर दा मेनली रोल पनाह देन दे विच सपोर्ट नेटवर्क दे विच सीगा, इस जित्थों तक ए ऑफेंस है। अदरवाइज कपिल दी जिहड़ी इंटरोगेशन हुई है जिहड़ी सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन कि उसनू लॉरेंस बिश्नोई ने टास्क दिता सी टारगेटिंग ऑफ सलमान खान, तो उन्हें बॉम्बे दे विच जाके रेकी कीती सी अलोंग विद संतोष यादव एंड सचिन बिश्नोई। इस चीज नू असी वेरीफाई कर रहे हैं। कदों जिहड़ा है सलमान खान नू अगर टारगेट करन दी गलबात सामने आ रही है, कदों इन्हां ने पूरे ऑपरेशन नू अंजाम देना सी कि हले तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू? देखो जी, असी तो इस दी गल नू वी डोंट बिलीव हिम ऑल्सो, हो सकता है झूठ बोल रहा होवे जी, सो वेरीफाई करांगे, इन्वेस्टिगेट करांगे। पाकिस्तान दा किन्ना रोल हैगा पूरे, क्योंकि गैंगस्टर्स नू जिहड़ा हैगा टेररिस्ट आ वो यूज कर रहे हैं जिस तरीके नाल तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच वी किया, तो किन्ना रोल पाकिस्तान दा इस पूरे? पाकिस्तान दा पूरा रोल हैगा। तो मैं ISI वालियां नू कहना चाहांगा कि तुहाडे मनसूबियां नू असीं कामयाब नहीं होण देवांगे। पंजाब पुलिस सक्षम है, सजग है, तो असीं पंजाब दे विच पीस नू डिस्टर्ब नहीं होण देवांगे। सिद्धू मूसेवाले दे पिता बलकौर सिंह दा हुण एक बयान आया, उन्होंने बयान दे विच कहा कि गोली दा जवाब गोली, चाहे वह रहणगे जिहड़े गैंगस्टर हैगे या फिर आप सिद्धू मूसेवाले दा पिता, कहिंदे असीं रहांगे। तो यह बड़ा वड्डा बयान हैगा पंजाब दे लिहाज दे नाल, क्योंकि लगातार वो कह भी रहे ने कि वाइट कॉलर जिहड़े हैगे उन्होंने अरैसट की जाए या फिर जिहड़े आरोपी हैगे उन्होंने सिक्योरिटी दी जाती है, इस तरीके दे आरोप भी लाउंदे। इस बयान नूं तुसीं कि असीं सरदार बलकौर सिंह दा बहुत सत्कार करदे हां, उन्हां दा बहुत वड्डा नुकसान होया, असी सारे सारी स्टेट वी आर फुल ऑफ कंडोलेंसेस। तो असी उन्होंने जिहड़ा भी बयान दिता है उसनू असी पूरी नेक नीति नाल एज पर लॉ इन्वेस्टिगेट करके इस केस दे विच जिहड़े भी इनवॉल्व हैगे लोग उन्होंने छड्डांगे नहीं जी, किसी नू नहीं छड्डांगे, किसी भी लेवल दा बंदा होवे। ते आखिरी सवाल मेरा कि गोल्डी बराड़ जिहड़ा कॉन्सपिरेटर मेन कॉन्सपिरेटर उन्हूं कदों तक गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई की इस पूरे मामले दे विच? गोल्डी बराड़ दा रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो गया है, असी सेंट्रल गवर्नमेंट दे थ्रू असी कैनेडियन अथॉरिटीज नाल इन टच हैगे, ते छेती तो छेती क्योंकि लीगल प्रोसेस इनवॉल्व है कोर्ट दे थ्रू आऊगा, ते असी छेती तो छेती उन्हूं इत्थे ला के